शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। You are under arrest, Mr. करण प्रताप सिंह। डीएसपी साहब को मैं खुद अपने साथ यहां लेकर आया हूं। बाहर चलना है। पानी पूरी? करण सर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वो पानी पूरी वाला हमारे पहचान का। सच्ची? हाँ। मुझे लगा तुम्हें पानी पूरी और जलेबी खानी होगी। खानी है ना? हाँ। नहीं 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 खानी। पक्का? हाँ पक्का। मुझे लगा तुम्हें खानी है। अगर नहीं खानी है और तुम खुद ना बोल रही हो तो चलते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? एक्चुअली मुझे खानी है। तो क्या है ना, मुझे पानी पूरी और जलेबी बहुत पसंद है। दोनों ही मेरे फेवरेट है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो रुको ना, रुको। एक मिनट। क्या? अब वो मैंने कभी बाहर ऐसे रास्ते पे खाया नहीं। पर आपको खाने को कौन कह रहा है? हाँ। मैं खाऊंगी, आप देखते रहना। के? ओके मिस्टर करण प्रताप सिंह। बिल्कुल। क्या हुआ? आपका चेहरा तो देखने लायक है। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको खाना सिखा दूंगी। चलिए। भैया दो प्लेट पानी पूरी। तुझको है देखा, तेरी बाहों पे ही रहूं सारी उम्र में हमेशा। तेरे ही संग है मेरी हर कहानी, तेरे ही संग जिंदगी। ख्वाबों में भी जो मिलता नहीं है वो पाया मैंने तुझ में ही। अब तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? इतना सरप्राइज काफी नहीं है। एक और है। क्या? बैठो गाड़ी में, बताता हूँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। कैसे आना हुआ गुरुजी? आप उज्जैन नहीं आ पाई?
और बात ही कुछ ऐसी थी, हमें अतिशीघ्र आपके पास आना पड़ा। बताइए ऐसे क्या बात? भवानी जी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको शायद अच्छा ना लगे। ये देखिए, आपकी बहू की कुंडली में ग्रहों की दशा लगातार बदल रही है। इस कारण आपकी बहू की चलित कुंडली में भारी बदलाव आया है और इन बदलावों का प्रभाव आपके पोते पर अच्छा नहीं है। अरे देखो कौन आया है पार्वती। करण सर ने मुझे बताया कि हम यहाँ आने वाले। इस कमाल के सरप्राइज के लिए थैंक यू करण सर। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेरा सेल्फिश मोटिव है। सेल्फिश मोटिव? माँ के हाथों से बना टेस्टी खाना। इसीलिए मैंने इन्हें फोन किया और ये सरप्राइज प्लान किया। अब जब सरप्राइज मोटिव बता ही दिया है तो फिर नेकी और पूछ। चलो खाना खाते हैं, चलो आ जाओ। यस आइए आइए आइए। चलिए और तुम खड़े मत रहो, तुम भी आओ। चलो पता है पापा जी, आज करण सर ने मुझे पानी पूरी भी खिलाया, बहुत मजा आया। क्या बात है दी, तुम तो पानी पूरी एकदम पेटूराम की तरह खाती हो ना, इसलिए पेट तो भर ही गया होगा। अब माँ के हाथ के बने हुए पुलाव के लिए पेट में जगह थोड़ी बची होगी। लगता है तुम ना माँ के हाथ के खाने का रूल भूल गए हो। रूल? माँ के हाथ का खाने के लिए पेट में जगह की जरूरत नहीं होती। आप बात पूरी कीजिए गुरुजी। आपकी बहू की कुंडली में आए हुए बदलाव के कारण अगले 1.5 साल तक आपके पोते पर भारी संकट मंडरा रहा है। गुरुजी, कैसा संकट? मृत्यु का संकट। क्या? लेकिन गुरुजी, अभी हमारी बहू ने अपनी जान दांव पर लगाकर करण की जान बचाई थी। एक बार बचाएगी, दो बार बचाएगी, पर क्या हर बार बचा पाएगी? भवानी जी, ग्रहों से उत्पन्न संकट को कोई नहीं टाल सकता। अरे पानी तो बेटा, पानी पीजिए आराम से। आप ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, थैंक यू। पर ये ऐसे अचानक कैसे हो सकता है? शादी तो कुंडलियां देखकर हुई थी। लड़का और लड़की दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे थे, फिर ये कैसे? जिन कुंडलियों को आपने मिलवाया था वो लग्न कुंडलियां थी। लग्न कुंडलियां ये दर्शाती हैं कि जन्म के समय क्या लग्न है, पर चलित कुंडलियों से ये स्पष्ट होता है कि ग्रहों की आज की दशा के हिसाब से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी बहू की चलित कुंडली से ये स्पष्ट है कि आपके पोते पर मृत्यु का संकट बना हुआ है।
ये तो सही बात है गुरुजी। जब से काव्या करण की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ संकट आता ही रहता है। अब लगा ना तीर निशाने पर। अरे ये निशाना लगा कैसे? मैं हूं ना, जब गुरुजी का फोन आया काव्या की कुंडली मांगने के लिए, तब मैंने काव्या की कुंडली बता दी। मास्टर स्ट्रोक, पहली बार तुमने कमाल का काम किया है। अम्मा जी के लिए करण की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब देखना है काव्या के साथ वो क्या करती है। राइट, गुड वर्क। माँ, आपके हाथ के पुलाव का तो जवाब ही नहीं, बेस्ट। रियली? हाँ दी, माँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल चीजें बनाती है, मुझे तो पोहे से काम चलाना पड़ता। पृथ्वी, पोहे भी अच्छी बनाती है और तुम बातें भी बड़े अच्छे घुमा लेते हो। हाँ वो तो है। माँ मुझे इस पुलाव की रेसिपी चाहिए, मैं काव्या को एक दिन अपने हाथों से पुलाव बना के खिलाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे मुझे इतना आता तो नहीं है, लेकिन मैं टाइप करके भेज दूंगी मैसेज पर। थैंक यू। करण से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। करण की जान बचाने के लिए हमें उसकी जिंदगी से काव्या को हटाना पड़ा, तो वो भी हम करेंगे। बेहिचक करेंगे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूं। क्या हुआ? अब वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, पर एक तरीके से लग रहा है कि कुछ कुछ होने वाला है। मतलब? मतलब ये कि हमें अगर ऐसे हाथ थामे, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम्हें डर लगता है ना? तो फिर? डर नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है, खासकर तब जब वो इंसान आपसे प्यार ना करता हो। उसके साथ ये सब ना बवाना। अब इसे आज सुबह ना मेरे सर में बहुत दर्द था, हाथ में भी दर्द था, ऐसा लगा कि पूरा दिन दर्द में ही जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि आज पूरा दिन आपने प्यार से मेरा हाथ थामे रखा। मतलब जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तुम्हें अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है। क्या खाक ठीक है? अबे अपने दिल की बात काव्या को कब बताओगे? क्या करूं, ना चाहते हुए भी आना पड़ता है, क्योंकि तुम अपने दिल की बात काव्या को बता ही नहीं रहे हो। काव्या ठीक हो गई है, अब तो बता दो। तुम्हें क्या करना है, बताऊं ना बताऊं? करण सर, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तो किसी से नहीं, बस यूं ही। देखो अल्टीमेटम दे रहा हूं, आज ही काव्या को अपने दिल की बात बताओ। मैं कह दूंगा। आप ठीक तो है ना?
कौन है वहाँ? हाँ हाँ वो एक एक प्रोजेक्ट को लेकर मुझे बहुत टेंशन है, पर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं। करण के सामने हम काव्या से बात नहीं कर सकते, हमें सही मौका देखकर काव्या से अकेले में बात करनी होगी। प्रोजेक्ट का नाम लिया और फोन आ गया ऑफिस से। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, कल तक वेट नहीं कर सकते, जो करना है आज करना है। अरे भाई रजिस्ट्रेशन भी करना है, सरकारी काम है, चांस नहीं ले सकते हैं। तू पेपर तैयार करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है। काव्या मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं यू गया और यू आए, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आजकल तुम मेरी बहुत खिंचाई करती हो, और वो भी कहाँ है वो मेरा हमशक्ल, बार बार आ जाता टपक पड़ता है। पर अब मुझे कोई नहीं सिखाएगा कि मुझे मेरे प्यार का इजहार कैसे करना है, कोई नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या करना है। चलो देर से ही सही, अकल तो आई, कुछ भी कहीं भी कभी भी। इशिका इशिका सुनो, हाँ मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारी भाभी को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या करना होगा? अभी कुछ नहीं करना है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे पर घर पे नहीं रहोगे तो सरप्राइज कैसे दोगे? बताता हूँ मैं ऑफिस से कुछ भेजूंगा, तुम उसे लेकर काव्या से बचाकर चुपके से रूम में रख देना। पर प्लान क्या है? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जो भी करना होगा करण के आने से पहले ही करना होगा। गुरुजी की बात का तो अम्मा पे कोई असर नहीं दिख रहा है। आप भी ना बहुत जल्दी हौसला खो बैठते हैं, मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, और वैसे भी मन चाहे परिणाम के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है। धैर्य की बात मैं का प्रताप सिंह कर रही है। ओहो वो देख आप ही हैं जिसे मेरी कदर नहीं, वरना हूं तो मैं बवाल। उसमें तो कोई शक नहीं है।
हाय भाभी। हाय। कैसी है आपकी तबीयत? पहले से काफी बेहतर। ऐसा क्या कर दिया करण भैया ने? ये पूछो क्या नहीं किया। करण सर मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए, और तो और रास्ते में हमने पानीपुरी भी खाया। वाह, करण भैया ने भी खाया? कमाल है, आपने तो करण भैया को अपने रंग में रंग दिया। नॉट बैड। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। बोलो ना, क्या काम था? मैंने ना आपके लिए पास्ता बनाया है, पर वो तो किचन में ही रह गए। आप लेकर आ सकती है क्या? निशिका, जब मैं पानी पूरी खा सकती हूँ तो तुम्हारे लिए पास्ता तो टेस्ट कर ही सकती हूँ ना। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं ये सब अलमारी में रख देती हूँ। पहला काम तो बड़ी आसानी से कर दिया। शाबाश ऋषिका, शाबाश। खुशबू तो अच्छी आ रही है। भूरान, राजमाता ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। दादी माँ, आप ये पास्ता इशिका को जाकर दे दीजिए। जी। भैया, अभी आपकी हर दुआ ऊपर वाला मानेगा, क्योंकि भाभी तो आपके साथ थी ही, और अब लगता है आप भी बस भाभी के साथ हो ही गए हो। हाँ भैया, मैंने भाभी को किचन में भेजकर बुके और गिफ्ट आपके रूम में रख दिया है। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। काव्या भाभी, आज तो आपको ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है कि आप सच में सरप्राइज हो जाएंगी। दादी माँ आओ, दरवाजा बंद कर दो। जी। बैठो। कैसे लगा खुली हवा में घूम के? बहुत अच्छा लगा दादी माँ। करण सर ने मुझे सरप्राइज भी किया, मुझे बिना बताए माँ पापा से मिलाने घर। करण की जान बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकता, और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, क्योंकि तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूं। आई लव यू काव्या, आई लव यू काव्या, आई लव यू काव्या। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए, और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।